हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय क्लास इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिंस एंड फॉर आज की क्लास में हम जानेंगे कि सिंस और फॉर का क्या डिफरेंस होता है और ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट इसलिए कर जाता है क्योंकि आप जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर आप कोई सा भी परफेक्ट कंटीन्यूस करते हैं तो उसमें आपको टाइम जब मैंशन करना होता है तब वहाँ पर आपको सिंस और या फॉर दोनों में से किसी एक की नीड होती है तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिंस और फॉर के बीच में क्या क्या कॉमन से डिफरेंसेस हो सकते हैं तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं सिंस और फॉर ये दोनों बेसिकली टाइमिंग वर्ड्स होते हैं अब जो पहला वर्ड हम यूज करने वाले हैं वो है हमारा फॉर फॉर का कहाँ यूज होता है फॉर इज़ यूज बिफोर इनडेफिनिट टाइम अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय जो हमें नहीं पता होता कि वो कितना एग्जैक्टली exactly है जैसे आप देख सकते हैं कि फॉर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है सबसे पहला रूल न्यूमारल एड्जेक्टिव प्लस मिनट ये आपके छोटे छोटे फार्मूलाज टाइप हैं जिनसे आपको बहुत इजी हो जाएगा फॉर का डिफरेंस जानना कि आप फॉर कहाँ लगा सकते हैं सबसे पहला रूल है न्यूमारल एडजेक्टिव के साथ जब हम मिनट्स ऐड करते हैं जैसे न्यूमारल एडजेक्टिव आपको जिसने एडजेक्टिव का पार्ट नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप काइंड ऑफ एडजेक्टिव देख सकते हैं फॉर थर्टी मिनट्स फॉर मेनी मिनट्स फॉर ट्वेंटी मिनट्स और फॉर सेवरल मिनट्स सेकेंड रूल देखिए आप एडजेक्टिव के साथ आर थर्ड में है, में है, में डेज फोर्थ वीक्स फिफ्थ अब वाला पॉइंट देखिए घंटों वाला फॉर टू आर फॉर सेवर रूल नंबर थ्री फॉर फाइव डेज फॉर मेनी डेज रूल नंबर फोर फॉर टू वीक्स फॉर फाइव वीक्स फॉर मेनी वीक्स मीन आपको न्यूमारल एडजेक्टिव ये ध्यान रखना है कि किसके आगे आपको फॉर लगाना है न्यूमारल एक्टिव फॉर थ्री इस फॉर सेवरल ईयर्स एंड एन अदर रूल न्यूमारल एड्जेक्टिव प्लस डिकेट मंथ सेंचुरीज मिनट आर इन सब में आप अपना फॉर यूज कर सकते हो लाइक फॉर थ्री डिकेट्स फॉर मेनी डिकेट्स फॉर नाइन मंथ फॉर सिक्स मंथ फॉर सेंचुरीज फॉर सेवन ईयर्स आप इस तरीके का इसमें यूज कर सकते हो बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि किनके आगे आपका फॉर आएगा डिकेट्स मंथ सेंचुरीज आ मिनट फॉर आ मिनट फॉर एन आर फॉर अ डे ये सब आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ पे आपको यूज करना है ये सारे रूल्स आपको ध्यान में होने चाहिए फॉर अ वीक फॉर अ मंथ फॉर अ ईयर फॉर अ डेकेट फॉर अ सेंचुरी और अ लॉन्ग पीरियड यहाँ पे हमें टाइम नहीं पता है कि एग्जैक्टली exactly कितने टाइम से कितने महीने से अनिश्चित है वो हमें डिसाइडेड नहीं है बस आपको क्या ध्यान रखना है जो फॉर है उसमें अनसर्टेन ऑफ टाइम पीरियड है उसमें आपको नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली exactly टाइम है देखिए फिर से दूसरे रूल्स लास्ट में पास्ट यू मार्जेक्टिव प्लस मिनट इसके एग्जाम्पल से आप समझिए फॉर द लास्ट फाइव आर फॉर द लास्ट फोर थ्री डेज फॉर द पास्ट फोर डेज इस तरीके से सीजन सीजन अब यहाँ पे सीजन नेम नहीं है खाली पर्टिकुलर सीजन है कितने सीजन से जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है फॉर टू सीजन फॉर थ्री सीजन नेक्स्ट रूल मिनट आर डेज वीक एयर डिकेट सेंचुरी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करे थे किन के साथ न्यूमारल एडजेक्टिव के साथ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं जो कभी कभी आप स्पेशली आपका एरर फाइंडिंग में आ जाता है इस तरीके के क्वेश्चंस तो देखिए रूल नंबर ट्वेंटी वन इफ अगो इज रिटर्न बिफोर पीरियड ऑफ टाइम देन सिंस विल यूज कभी अगर अगो लिखा जाता है किसी पीरियड ऑफ टाइम से पहले मीन्स जैसे डेज अभी हमने पढ़ा था फाइव डेज सिक्स डेज सेवन डेज तो वहां पे आप फॉर यूज नहीं करेंगे आप वहां पे सिंस करेंगे एग्जाम्पल से समझिए हिज ब्रदर हैज बीन इल फॉर फाइव डेज उसका जो भाई है वो बीमार है हिज ब्रदर हैज बीन इल सिंस फाइव डेज अगो तो आपको कुछ नहीं करना है आपको इतना ध्यान रखना है सेंटेंस में अगर अगो है तो वहां पे फॉर नहीं आएगा वहां पे वो एरर हो जाएगा देखिए, द यूज ऑफ फॉर इज बिफोर ऑल प्लस पीरियड ऑफ टाइम कभी भी आपके ऑल वर्ड के आगे फॉर नहीं आएगा ये भी एक एरर फाइंडिंग में आता है आपको ध्यान रखना है इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे नेक्स्ट रूल ये जो कॉमन होता है कि जो फॉर होता है वो आप हम तक के लिए भी यूज करते हैं हिंदी में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एग्जांपल्स से समझिए प्रियंको वेटेड फॉर मी थ्री आर्स उसने तीन घंटे तक मेरा इंतजार करा था शी गोज there फॉर टू आवर एवरी डे वो वहां दो घंटे रोज आती है मीन्स किसी भी नॉर्मल बात के लिए हम के, यूज करते हैं फॉर इस सेंस में अब हम जानेंगे सेंस का यूज क्या होता है सेंस होता है आपका डेफिनेट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम फॉर में क्या आता है पीरियड ऑफ टाइम और अनसर्टेन आपको उसमें अनिश्चित नहीं पता एग्जैक्टली टाइम पीरियड क्या है लेकिन सेंस में आपको पता होता है कि कितने टाइम से कितने एग्जैक्टली exactly उसका चाहे वो डेज के हिसाब से हो मंथ के हिसाब से हो ईयर के हिसाब से हो अब देखिए आगे हम सेंस के रूल कुछ पढ़ेंगे नेम ऑफ डेज हमने फॉर में तो पढ़ा था कि लाइक like, खाली डेज होता है उसके आगे हम अपना न्यूमारल एडजेक्टिव लगा देते हैं लेकिन इसमें अगर मंडे ट्यूसडे दिया इस तरीके से डेज दिए हुए तो वहां पे आप सिंस यूज करोगे ये नहीं कहोगे फॉर मंडे फॉर ट्यूसडे फॉर थर्सडे नेम ऑफ द मंथ सेम एज सिंस जनवरी नेम ऑफ द ईयर सिंस 1980 सिंस 1990 रूल नंबर फोर अगेन नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे जैसे सिंस मॉर्निंग सिंस नून सिंस डॉन सिंस डे ब्रेक ओके वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल ऑफ यू डस्ट एंड डॉन में क्या डिफरेंस होता है कॉमेंट सेक्शन को जरूर यूज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगाक्स्ट रूल ओ क्लॉक जैसे सिक्स ओ क्लॉक ओ क्लॉक हम ये नहीं केंगे फोर टू ओ क्लॉक ये लास्ट नाइट लास्ट वीक लास्ट मंथ लास्ट ईयर सिंस लास्ट डे सिंस येस्टरडे नाउ उसमें आपका सीजन था खाली सीजन वर्ड था यहाँ पे आपको नेम ऑफ द सीजन के आगे, आगे आप सेंस लगाओगे स्प्रिंग विंटर सिंस समर फॉर विंटर फॉर समर नहीं आपको यूज करना है नेम ऑफ द फेस्टिवल फेस्टिवल के क्या नेम्स होते हैं क्रिसमस दिवाली कुछ भी ए टू जेड फेस्टिवल के आगे आप सेंस यूज करोगे फॉर नहीं लगाओगे स्टेज ऑफ वंस लाइफ किसी की आ, स्थिति आप कह सकते हो किसी लाइफ का स्टेज होता है जैसे सिंस चाइल्डहुड एनीथिंग मीन्स आप उसको पर्टिकुलर उसकी कोई उसकी स्टेज बता रहे हो उसकी जैसे चाइल्डहुड हो गई उसकी युद्ध हो गई उसका ओल्ड एज हो गया लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लास्ट के साथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड भी आप यूज कर सकते हो जैसे मंडे मार्च मीन्स इट कैन बी ऑफ एनी थिंग बट इट शुड एक्सप्रेस द टाइम